अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अभी मैं और जैनब अपनी नानों की तरफ, जैनब अपनी नानों की तरफ आई है और मैं अपनी मामा की घर आया हूँ। अभी अभी उतरे हैं हम एयरपोर्ट से, वो एयरपोर्ट कह रहा हूँ गाड़ी से। तभी हम अपनी जैनब की नानों के पास जा रहे हैं। सुबह के इस वक्त 6:30 बज गए हैं तकरीबन। तो अभी हम जाएँगे तो वहाँ जाके देखते हैं क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। नाश्ता कर रहे हैं, नींद सख्त आई हुई है, रात की शिफ्ट से आए हैं ड्यूटी से। तो घर जाके जैन हमने कुको देखनी है ना, जैन कुको देखनी है ना। यस यस, जैन बाप का मास्क कहाँ दे, वेयर आर योर मास्क है जैन। ये मेरा मास्क है, आपका मास्क कहाँ है, हैं बोलो बोलो जैनी, जैनी कहाँ मास्क। और सुनाए आप सब क्या हाल है, कैसे हैं, कैसी जा रही है आपकी सारी रूटीन वगैरह। हमारी जी है रात की शिफ्ट और सुबह वापसी और एक रात छुट्टी अंदर। अभी हम घर जा रहे हैं, बाकी घर जाके वीडियो बनाते हैं, देखते हैं क्या जाने को देख के हाँ, इसकी आनी की क्या हालात होते हैं और इसकी मम्मी की क्या, नानी की क्या हालात होते हैं। ओके, एयरपोर्ट से आते ही इस कदर नींद आई हुई थी तो मैं किसी वक्त सो गया, और उसके बाद फिर जब 9 बजे जाग आई और फिर मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आया तो फिर दोस्तों के साथ निकल पड़ा और अब मैं बनाने लगा हूँ आप सबके सामने देसी मुर्गे की कढ़ाई, और देखते हैं फिर किस तरह से तैयार करते हैं। तो मैंने यूट्यूब पर देखी थी मट कढ़ाई, मट कढ़ाई किस तरह से बनाती है, तो देसी मुर्गे की कढ़ाई, तो अब मैं भी बनाने वाला हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। लेट्स गो विद मी। ये रहा जी हमारा कुकर, और इस कुकर में डालेंगे अब हम अपना देसी मुर्गा, और देसी मुर्गे को मैंने इसे हलाल किया था आज, और इसके साथ साथ है मेरे पास ये, ये हैं 3 प्याज कटे हुए, और इसमें 1/2 किलो टमाटर हैं, और 2 फूल हैं उसके लहसुन के, यानी कि पूरी वो क्या कहते हैं उसको, पूरी कहते हैं मेरे, वो पूरे 2 फूल, और पूरा 1.5 किलो मेरा देसी मुर्गा है। मुर्गा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हाथ मेरा धुला हुआ है, ये देखें ये देसी मुर्गा है हमारे घर का, उसकी वीडियोस वगैरह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और चेक करें क्या बात है, ये विंग्स हैं, और क्या क्या है, ये सीना, ये एक और विंग, तो ये मेरे पास टमाटर और सारा कुछ। ये देसी मुर्गा तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा इसका वज़न है, तो इसकी वीडियोस वगैरह मैंने शूट की थी लेकिन वो मैंने बना नहीं पाया ना, मैं इसको जब करा किया हुआ दिखा पाया। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगा नमक मिर्च और 1 गिलास पानी, और इसको फिर बंद करेंगे। चले मैं इसमें नमक मिर्च डाल के, पानी डाल के, तो फिर दिखाता हूँ। तो इसमें डालते हैं नमक 1 टेबल स्पून, एंड देन इसमें डालते हैं पेपरिका, पेपरिका यानी कि लाल मिर्च, टू टेबल स्पून, एंड देन फिर टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स ये हल्दी, ये थोड़ा सा टीप लगा हुआ है क्योंकि 1.5 किलो मुर्गा, लाल मिर्च थोड़ी सी वो डाल देते हैं, और अब इसमें डालेंगे हम पानी, अब इसमें डाल लेते हैं पानी, ये है तकरीबन 1.5 गिलास पानी, ये इसमें डाल लेते हैं, और इसको 20 मिनट के लिए कुकर को लगा देंगे, ये अच्छे से पक पक जाएगा, ठीक है। अब इस कुकर को लगाते हैं और फिर 20 मिनट बाद आपको शो करते हैं। तो ये है इसकी इनर लुक, तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से हमारा चिकन टेंडर हो चुका है, चिकन तो नहीं रोस्टर था ये, और बड़े मज़े का रोस्टर था। अब इसको शिफ्ट करते हैं कढ़ाई में और फिर इसको भूनते हैं अच्छे तरीके से। मसाला अपना देखते रहें कहाँ कहाँ से नहीं पका, तो
अब इस मसाले का पानी हम अच्छे से फुटाएंगे और उसके बाद इसमें फिर देसी घी और मक्खन डालेंगे। अब पानी काफ़ी हद तक खुशक हो चुका है जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अब इसमें डालेंगे अपना मक्खन और साथ में देसी घी ताकि ये भुना जाए। तो मैंने इस कंटेनर में स्टोर करके रखा हुआ है मक्खन, तो वो अब इसमें डालेंगे। ये कुछ जमा पड़ा 1.5 किलो गोश्त के लिए। अगर दूध पड़ी तो हम और भी डालते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करते हैं। साथ में कोशिश करेंगे शायद ना पता चल पाए। तो मक्खन ने और देसी घी बन कर और बाहर आ गया। पर स्टेज में हम इसमें डालेंगे जीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च ताकि इसका टेस्ट और इसका खुशबू थोड़ी सी दुबाला हो जाए और खाने में ज़्यादा मज़ेदार है। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा देसी घी, बिल्कुल थोड़ा सा, मुझे ज़्यादा तरी पसंद नहीं है, आप कितना मर्जी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें दही। तो मैं जीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च इसमें ऐड करता हूँ। तो मैंने बस इसको भून के पीस लिया है। अब मैं इसमें दही मिक्स कर लेता हूँ। इसी स्टेज में थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्ची भी डालेंगे और गार्लिक, आप अदरक भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे अदरक ज़्यादा पसंद नहीं है। तो देसी घी ऐड किया और फिर मैं इसको भूनूंगा और उसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगा और देसी घी डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगा कि दही और ताकि ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा हो सके, क्योंकि इसमें देखें बहुत ही ज़्यादा ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ग्रेवी को बढ़ाएंगे इसके अंदर और उसके बाद फिर आपके टेस्ट करेंगे। तकरीबन मैं इसमें आधा किलो दही डालूंगा, 1.5 किलो मोटा दही डालिए और इसको अच्छी तरीके से दही को भूनेंगे। ये देख रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी हो चुकी है। वो तो ऐसे सर्व कर देते हैं, अब हमारे पास तो बड़ी कढ़ाई है तो हम इसको कैसे सर्व कर सकते हैं। तो देखें देसी मुर्गे की क्या शान है, तो बहुत ही अलहदा नहीं थी, एकदम साथ है। यही अगर दूसरा 30 माह का, और 30 माह कह रहा हूँ, 1 माह वाला मुर्गा होता तो उसकी मोटी ताया पाँचा रहता रहता उसको होता। अब उसको अच्छी तरीके से हम बोलेंगे। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है देसी घी में भुना हुआ और मखनी देसी कड़ाही मुर्गी, तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी इसको मैं भूनता हूँ, उसके बाद प्लेट आउट करता हूँ, डिश आउट करता हूँ, तो तब आपको इसकी शक्ल फाइनल लुक दिखाता हूँ। यस बेबी, yes baby।